फर्स्ट ईयर में जो हमारी सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था अपेंडिकुलर स्केलेटन के फोर लिम्ब, फोर लिम्ब में हम कौन से नंबर की बोन पढ़ रहे हैं, हम 6 नंबर की बोन आ चलेगी हमारी, उसका नाम है द डिजिट्स। डिजिट्स क्या होती हैं, ये पशु के शरीर में खुर से ऊपर जो पाए जाने वाली जो अस्थियाँ होती हैं, उंगली अस्थियाँ होती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, हम डिजिट्स कह देते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि कौन कौन से पशु में कौन कौन से डिजिट्स और कितनी कितनी पाई जाती हैं। तो हम देखें सबसे पहले डिजिट्स ऑफ ऑक्स। ठीक है, डिजिट्स यानी कि अंगुली अस्थियाँ, क्या कह देते हैं इन्हें, अंगुली अस्थियाँ। ठीक है, अब अंगुली अस्थियों में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे ओक्स की। तो ओक्स में क्या होती है, ओक्स के प्रत्येक पैर में दो सुविकसित डिजिट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, दो सुविकसित डिजिट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा ओक्स में दो अवशेष के रूप में क्या पाए जाते हैं, ड्यूक्लास भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो ड्यूक्लास भी पाए जाते हैं। और ये ड्यूक्लास कहाँ स्थित होते हैं, ये मेटाकार्पोफेलेंस के पीछे यानी कि फैट लॉक जॉइंट के पास स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, फैट लॉक जॉइंट के पास स्थित होती है। अब ओक्स में जो डिजिट होती हैं, प्रत्येक डिजिट में तीन तो फैलेंक्स होती है और तीन ही सीसेमोइड बोन होती हैं। क्या होती हैं, तीन तो फैलेंक्स होती हैं और तीन ही सीसेमोइड बोन होती हैं प्रत्येक डिजिट में। ठीक है, अब हो गई, अब इनमें जो तीन फैलेंक्स में तीन सीसेमोइड बोन हो गए, तीन फैलेंक्स हो गए, तीन में दो तो होती हैं प्रोक्सीमल और एक होती है डिस्टल, यानी कि दो तो हैं प्रोक्सीमल और एक क्या होती है, डिस्टल होती है। ठीक है, अब हम इसके डिस्टल पे देखें तो इसमें ओक्स में जो डिस्टल एंड पर जो अवशेष के रूप में बोन पाई जाती है, उसे क्या कह देते हैं, नेविक्यूलर बोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नेविक्यूलर बोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नेविक्यूलर बोन कह देते हैं। किस में पाई जाती हैं, ओक्स में पाई जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होती हैं, ओक्स में तीन फैलेंक्स में जब निर्माण होता है तो उनमें पीछे की ओर किसका निर्माण होता है, पीछे की सतह पर खुर का निर्माण होता है। ओक्स के खुर का निर्माण होता है पीछे की सतह पर। अब खुर का निर्माण होता है तो इसमें एक जो फैलेंक्स है वो डिस्टल एंड पर सीसेमोइड बोन के साथ जुड़ी रहती है। एक जो फैलेंक्स है डिस्टल एंड पर सीसेमोइड बोन के साथ जुड़ी रहती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, नेविक्यूलर बोन कह देते हैं। यानी कि जो खुर के पीछे जो आवरण होता है बोन्स का, खुर के पीछे जो अवशेष के रूप में बोन्स पाई जाती है, उन्हें क्या कह देते हैं, नेविक्यूलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेविक्यूलर बोन कह देते हैं। जो किस पे जुड़ किससे जुड़ी होती हैं, ये तीन फैलेंक्स जब खुर का निर्माण करती हैं, यानी कि जो पशु के अंदर जो तीन फैलेंक्स होती हैं, जब वो खुर का निर्माण करती हैं तो ये खुर का निर्माण ये तो ये फैलेंक्स पीछे की तरफ स्थित होती है। पीछे की तरफ जो सतह होती है उस पर एक डिस्टल एंड पर सीसेमोइड बोन पाई जाती है, जो क्या करती हैं, जिसे क्या कह देते हैं हम, पशु की ओक्स की नेविक्यूलर बोन कह देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें हॉर्स की। किसकी बात करें, हॉर्स की। तो हॉर्स में भी क्या होती हैं, डिजिट की संख्या कितनी होती है, एक होती है। हॉर्स में डिजिट की संख्या होती है कितनी होती है, एक डिजिट होती है। अब एक डिजिट को हम क्या कह देते हैं, हॉर्स में मेंस के नाम जाना जाता है। क्या कह देते हैं, मेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, मेंस के नाम जानते हैं। अब हम देखें तो मेंस के नाम से जब हम बॉयज़ को जानते हैं तो इसमें भी कितनी अब फैलेंक्स हैं, तो इसमें सीसेमोइड बोन भी होगी। तो हॉर्स में कितनी सीसेमोइड बोन थी हैं, तीन सीसेमोइड बोन
प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 3 सिस्टमर्ड बोन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें डॉग की। डॉग में जो डिजिट की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। और इसमें सिस्टमर्ड बोन कितनी हो गई? 5 है, तो इसमें सिस्टमर्ड बोन होती हैं 14 सिस्टमर्ड बोन प्रेजेंट होती है। किसमें? डॉग में। कितनी बोन हो गई? 14 सिस्टमर्ड बोन हो गई। अब हम बात करें पिग की। तो पिग में जो सिस्टमर्ड बोन की संख्या है, पिग में डिजिट तो कितने होते हैं? 4 डिजिट हैं। तो इसमें जो सिस्टमर्ड बोन भी कितनी हो गई? इसमें सिस्टमर्ड बोन हो गई 14। कैसे हो गई वो? अब जो हम देखें, 12 सिस्टमर्ड बोन हो गई। कितनी हो गई? 12 सिस्टमर्ड बोन हो गई। अब हम बात करें फाउल की। तो फाउल में डिजिट की संख्या कितनी होती है? फाउल में 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और इनमें क्या होती है? सिस्टमर्ड बोन क्या होती है? एब्सेंट होती है। सिस्टमर्ड बोन इज एब्सेंट। क्या होती है? सिस्टमर्ड बोन एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम देखें सबसे पहले डिजिट्स के बारे में, दोबारा से पढ़ते हैं। सबसे पहले डिजिट्स क्या होती हैं? पशु के खुर से ऊपर की जो अस्थियाँ होती हैं, अंगुली अस्थियाँ बोलते हैं जिन्हें, जो पशु के पैर का यानी खुर का निर्माण करती हैं, उन्हें वो क्या कह देते हैं? अंगुली अस्थियाँ कह देते हैं। अब ओक्स में जो प्रत्येक पैर यानी कि एक पैर है उसमें कितनी होती हैं? 2 सुविक्स डिजिट्स पाई जाती हैं। उन डिजिट्स में ओक्स में 2 अवशेष के रूप में ड्यूक्लास पाए जाते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं? अवशेष के रूप में जो ड्यूक्लास पाए जाते हैं, ड्यूक्लास का मतलब होता है पंजे। अब ये जो पंजे कहाँ पर स्थित होते हैं? ये मेटाकार्पल के पीछे यानी कि फैट लॉक जॉइंट होता है, जहाँ पे फैट लॉक जॉइंट बनता है खुर से ऊपर, वहाँ पे स्थित होते हैं। अब प्रत्येक जो यानी कि एक पैर है उसमें जो एक डिजिट है, उस एक डिजिट में कितनी फैलिंग्स हो गई? 3 तो फैलिंग्स हो जाएंगी, 3 ही सिस्टमर्ड बोन हो जाएंगी। ठीक है, अब सिस्टमर्ड बोन में 2 तो होती है प्रोक्सीमल और 1 होती है डिस्टल। अब डिस्टल एंड पर जो अवशेष के रूप में बोन पाई जाती है, वो एक अवशेष के रूप में बोन पाई जाती है जिसे क्या कह देते हैं? जो किसका निर्माण करती है? पशु के खुर का निर्माण करती है। और जो खुर का निर्माण करती है उसे ही क्या कह देते हैं? नेविक्युलर बोन कह देते हैं ओक्स में। अब हम बात करें हॉर्स की। तो हॉर्स में डिजिट की संख्या कितनी होती है? 1। तो इन्हें हम किस नाम जानते हैं? मैंस के नाम जानते हैं। और इसमें एक डिजिट है तो एक में कितनी सिस्टमर्ड बोन होंगी? 3। अब डॉग में कितनी है डॉग में कितनी है डिजिट की संख्या? 5 है। लेकिन इसमें सिस्टमर्ड बोन कितनी है? 14 है, क्योंकि इसमें फैलिंग संख्या कम होती है। अब हम पिग की बात करें तो पिग में डिजिट की संख्या हो गई 4 और इसमें जो सिस्टमर्ड बोन है वो कितनी हो गई? 12। अब हम फाउल की बात करें तो फाउल में डिजिट्स होती हैं 3, लेकिन इसमें सिस्टमर्ड बोन क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था डिजिट्स, तो वो कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो कैसी करें वैसे कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।